हलचल टीवी न्यूज। एक पासे जिथे कोरोना महामारी करके लोग घरों बाहर नहीं निकल रहे किसी तरह ता इकट्ठ नहीं हो रहा, उत्थे ही कुछ लोगों ने अपने विवाह पोस्टपोन कर दिते ने, पर कुछ अजिहे भी लोग ने जो सादे विवाह च विश्वास रखते ने अते हालातां दे मुताबिक ही विवाह कर रहे ने। जिस दी जूंदी जागदी मिसाल लुधियाणा तो कांग्रेस दे विधायक कुलदीप वैद ने पेश कीती है, जिन्हां ने सिर्फ अपने परिवारक मैंबरां नूं नाल लैके ही अपने बेटे दा विवाह कर दिता है। सादे ढंग नाल कीते गए इस विवाह च गुरुद्वारा साहिब च लावां लईआं गईआं ने। देखो जिस दिन मेरा विवाह होया सी उदों मेरे पिता जी बीजी ने मेरा विवाह बहुत सादा कीता सी। मेरे मन दे विच हमेशा ही सी कि असी जिहड़ा करन दा जां साडे बेटे दा सुखन दा विवाह करना उह सादा करना। इह तां चलो करोना वाला जिहड़ा इह साडा सिस्टम बनिया, मेरे दिल दी ख्वाहिश पूरी असी बहुत सिंपल मैरिज कीती है। दोनों परिवार असी गुरु सिंह अपना गुरद्वारा सिंह सभा जा के सराभा नगर आनंद कारज कीते हैं, आनंद कारज आके लंगर छकिया। बस गैदरिंग का ध्यान रखिया, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखिया, ज़्यादा इकट्ठ नहीं किया। सो मैं तो एक जी सब तो ज़्यादा जरूरी मैसेज मैं देना चाहना कि असी दोनों परिवारों ने डिसाइड किया सी कि कोई किसी तरह का दाज दहेज नहीं करना, कोई मैरिज के उत्ते पैसे ज़्यादा नहीं खर्चने। सो असी दोनों परिवारों ने बैठ के डिसाइड किया सी एंड असी बहुत खुश हाँ। मैं अपने वीरां भैणां भरावां नूं ये बेनती करनी चाहना कि तुसी भी जदों मैरिज करदे हो घट तो घट खर्चा मैरिज ते करो, कर्जा लैके कदे मैरिज ना करो। कोई साडा नक नहीं कट्टिया जांदा, कोई सानू कहिंदा नहीं कुछ, आपां अपनी जिहड़ी ईगो आ आपां स्पैशली पंजाबी उहदे ते बाहर आओ, सिंपल मैरिज करो, घट तो घट खर्चा करो ते सुखी रहो। जिन्हें बेटी दे दित्ती उस तो वड्डा आपां कहिंदे आ दान है, तो उहदे तो क्यों असी कोई चीज़ एक्सपैक्ट करिए। सगो मुंडे वालियां नूं ये चाहिए है वो जिहड़ी लड़की घर आ रही है उहदे परिवार नूं अच्छे ढंग नाल उहनां नूं ईजी करन, किसी तरह की कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए। यही मेरा मैसेज है अपने भैणां भरावां वीरां नूं साडे जिमीदार वीरां नूं कि विआहां ते शादियां दे उत्ते पैसे ज़्यादा खर्च के कर्जे चक के करजाई ना बनो। जे करजे तो मुक्त रहना तो अपने विआहां शादियां उत्ते पैसे घट तो घट खर्चो। धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की।